What's up guys? शुरुआत करेंगे राम राम भाई सारे आने। गाना आ चुका है एल्विश और अंकित भाई का छोरे हरियाणे आले। तो इसका टीजर आया था, हम समझ गए थे कौन सा गाना होने वाला है, तो करेंगे साथ में एंजॉय और पूरा एक अखाड़े वाला माहौल कुश्ती वाला देखने को मिला था। तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भजेगा रे पीके किले कुल्ले सारे अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भजेगा रे पीके किले कुल्ले सारे अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। तू अपने खपीट रहा था पूछ मेरा ठोरा, एक नंबर बातचीत हरियाणे का छोरा, बुला लिए तू जितने भी गैल बदमाश तेरे गाड़ देंगे छह फिट जो भी चौड़ा हो रहा। तू अपने खपीट रहा था पूछ मेरा टोरा, एक नंबर बातचीत हरियाणे का छोरा, बुला लिए तू जितने भी गैल बदमाश तेरे गाड़ देंगे छह फिट जो भी चौड़ा हो रहा। उसका पानी चाल मारा भाई करती मौज, मैं किले गणे नाम पीछे ले रहा हूँ मौज, मैं जान देने वाले रवे गैल करती लोयल, रखता ना गंटुआ ने कदे अपनी फौज, मैं जिथे जाऊं अड़े बाजे डंका हरियाणे का, बच्चा बुड्ढा शोकी नीरा गिनी ऊंची गाने का, देसी घी मैं चूर मातर गए होती पहनाने का, आड़ुआ का काम पाछे ठोकर तेज खाने का, पहलवान छोड़े गुटिया पे मोटे पट, दाव लगा थेड़ धरती मैं हो जा फटाफट, मारा नाम जो ना जाने वो भी ले वे नाम रट, आती देख जी वैगन आती आती ते तू बच। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भाजेगा रे पीके किले कुल्ले सारे अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भाजेगा रे पीके किले कुल्ले सारे अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। दूर तक पहचाना जा है मानस हरियाणे का, काम मारा हाथी का कुत्तों का भूखे जाने का, कारोबार खोके पार दाने का, मिंटा मैं तोड़े किट आके साड़े तेरी काले खां, घोड़ा गाड़ी चमकाने का, घोड़ा लाठी लगाने का, दम इतना रखे हट जा दुनिया पे हुक्म चलाने का, भर के चिल्लम जलाने का, जो ना माने मगर डर जा काटू भूत मेरे साड़े का। 56 इंची छाती कुर्ते दौड़े लागे गच, चमड़े की जुत्ती चाले जिब होवे पटापट, निरे अड़ बाती जिती कसे बैरी आगे नट, टूटे काना आले गैल मारे बैठे संजय दत्त। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भाजेगा रे पीके किले कुल्ले साड़े अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, किले काटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, कित भाजेगा रे पीके किले कुल्ले साड़े अत, छह फिट भीतर काट देंगे पावे गाना बच। भाई जिसे लोगों ने मीम बना दिया उस बंदे को, वो लास्ट में एलवी भाई के आगे कोई बोल सकता है, वो थी ना वो लाइन पूरी हो डाली थी। देखो एक प्लस पॉइंट इस गाने का ये है कि ऑलरेडी पहले ऑडियो सुना हुआ है लोगों ने, तो अगर आपने कोई चीज सुनी हो और वो ऑलरेडी हिट हो तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी गाने के लिए। प्लस एक और प्लस पॉइंट ये है कि जो स्टार कास्ट है, मैंने नहीं सुना था ना, सॉरी मैं अजीब बोल रही क्योंकि मेरे आज इसने कट गई है, बहुत गंदी कट गई है मेरे को, मैं ना करी खुद ही मेरी बुराई कर, जो बुराई करता उसके साथ होता है भैया। और दूसरी बात है कि एल्विश और अंकित जो स्क्रीन प्रेजेंस निकल के आती है शूट में, बहुत गजब आई है दोनों की, और पूरा वो देसी वाइफ जैसे कहते हैं ना वो, और एक टोरे वाला गाना जो कहते हैं टिपिकल टोराबाजी एटीट्यूड स्वैग, वो चीज निकल के आई है। प्लस जो शॉर्ट्स लिए हुए थे जैसे फिटनेस वाले, बहुत बढ़िया थे, अमेजिंग शॉर्ट्स थे, और गाने भी में वो है ना वो एटीट्यूड वाली बात जो होती है वही गाने में पहले से प्ले से गाना हमने सुन रखा है पहले भी रील्स में भी हर जगह, तो मैंने कहा मैंने एल्विश के व्लॉग में सुना है, तो इससे ना एक भाई एक अपील प्लस पॉइंट ये होता है कि आपने सुना हुआ बोला अरे ये तो सुना हुआ और बढ़िया लग रहा है, तो मजा आया सुन के, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया। और वो भाई ने जो जिस जो वो लास्ट में लाइन डाली है ना, उससे वो लड़का खुश हो गया होगा कि भाई ये लोगों ने मुझे इतना मीम बनाया, वो तो स्टेटस लगा रहा होगा एडिट करके
तुमने मेरा मीम बना दिया, कौन सी लाइन थी? निकाल ले वो, एडिट करके तुमने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके। चल मेहनत तो नहीं करी उसने, लेकिन वो वायरल हो गया भैया वो लड़का भी। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अब जिस तरीके से जो एक लेवल होता जा रहा है ना हरियाणवी सॉन्ग्स का, वो अलग ही लेवल। मतलब कि जैसे एक टाइम आया था बॉलीवुड, बॉलीवुड का बूस्ट हुआ था, पंजाबी इंडस्ट्री बूस्ट हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप बात करो तो हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत गजब कर रही है। अभी अगर एलिवेश के गाने हमने डीजी मोटर के साथ भी देखे हैं, या टिपिकल देसी गाने पे अगर आप सुनते हो तो बहुत अलग, क्योंकि एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी बहुत मैटर करता है, और वो चीज भी अब बढ़ चढ़ कर आ रही है, क्योंकि सिर्फ अब लिमिटेड ऑडियंस नहीं है, पूरे इंडिया एंजॉय कर रही है यार हरियाणा गाने भी, और वही चीज़ है। और बाकी गाना सुन के आया मजा, स्वैग था, मस्त था, एक नंबर था, जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट लिया अखाड़े वाला फिर फिटनेस वाला। कहीं ना कहीं लोग भी यार, पता क्या होता है, जब आप फिटनेस वाली बॉडी देखते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हो, वही वाली बात आ जाती है। और भाई तो अभी हाल ही मोदी जी से मिल गया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, बोले मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।